Hello and welcome. Basically, this has been uploaded after a long, long time. Sorry for your waiting and thank you for your patience. आज का जो हमारा सिलेबस है, आज की जो हमारी टॉपिक है, वो बेसिकली बीकॉम में जो स्टूडेंट सेमेस्टर फर्स्ट से सेकेंड में प्रमोट हुए हैं और जो स्टूडेंट सेमेस्टर थर्ड से फोर्थ में गए हैं, उनकी सब्जेक्ट को लेके डिस्कशन है. आज हम डिस्कस करेंगे मेजर सब्जेक्ट्स क्या हैं, इलेक्टिव क्या है और किस तरह से आपने सब्जेक्ट की कोडिंग करनी है. सो लेट्स जंप राइट इनटू इट. बात अगर हम करते हैं अपना सब्जेक्ट जो है हमारे सेमेस्टर टू में आपने देखने मिलेगा, तो मेजर सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज आपको बिजनेस मैनेजमेंट देखने मिलेगी. यहाँ पे बिजनेस मैनेजमेंट को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, बिजनेस मैनेजमेंट वन और बिजनेस मैनेजमेंट टू. अगर इसके लिए आपको मार्केट में बुक नहीं मिलती है तो क्लास ट्वेल्थ की बीएसटी बुक पूनम गांधी की भी आपको यहाँ पे काफी मदद करेगी. बिजनेस मैनेजमेंट वन में आप ज्यादातर थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशंस पढ़ेंगे, जो अपने समय के बड़े मैनेजर्स जैसे एडम स्मिथ की डेफिनेशंस हो सकती है, टेलर की हो सकती है, फियोल की हो सकती है, कून्स ओडोनेल की डेफिनेशन, जॉर्ज आर्टेरी की डेफिनेशन, ये सारा कुछ आपको मैनेजमेंट वन में मिलेगा. साथ ही साथ मैनेजमेंट वन में आपको अर्थशास्त्र और कौटिल्य के बारे में भी पढ़ने होंगे और साथ ही साथ आपको क्लासिकल कॉन्सेप्ट, न्यू क्लासिकल कॉन्सेप्ट, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट और मॉडर्न अप्रोच, जिसमें आपको ब्यूडोक्स, मैक्स वीबर, ब्यूडॉक्स, इन सब की डेफिनेशन काफ़ी काम आने वाली है. बिजनेस मैनेजमेंट टू में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग इज एवरीथिंग यू नीड टू नो. किस तरह से ये सारे प्रोसेस को किया जाता है, इनकी डेफिनेशंस, इनके कंसेप्ट, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो कि स्टाफिंग के अंतर्गत आता है. बात करते हैं मेजर में, थर्ड हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो होगा फिनेंशियल अकाउंटिंग का सब्जेक्ट. अगेन यहाँ पे क्लास 11th की डीके गोयल अगर आपके पास है तो वो काम आएगी, बहुत अच्छे से आ जाएगी. उसके अलावा फिर आपको कोई बुक नहीं लेनी पड़ती है. यहाँ पे आपको बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग से लेकर सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट्स और साथ ही साथ कुछ जो चीज़ें नहीं हैं इसमें, वो हैं आपको यहाँ पे सॉल्वेंसी अकाउंट के बारे में देखने मिल सकता है और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग. येट अगेन क्लास 11th की डीके गोयल में अंतिम के कुछ चार पांच चैप्टर थे जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को डेडिकेटेड थे. रेफरेंस पर्पस के लिए वहां से भी आप चीजों को उठा सकते हैं. बात करते हैं अब इलेक्टिव की, तो इलेक्टिव में हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, दो ट्रेड में ऑप्शंस हैं. पहला जो है ई कॉमर्स, ई कॉमर्स वन, ई कॉमर्स टू, और दूसरा है बिजनेस इकोनॉमिक्स. अगर हम बात करते हैं गोरखपुर की यूनिवर्सिटीज और डिग्री कॉलेजेस के बारे में, तो यहाँ पे बेसिकली बच्चों को बिजनेस इकोनॉमिक्स लेने को लोग इनकरेज कर रहे हैं और यहाँ पे मैक्सिमम कॉलेजेस में एक्चुअली ऑप्शन भी नहीं है, बिजनेस इकोनॉमिक्स ही लेना है आपने. ये इकोनॉमिक्स के लिए आपके लिए हैंडी पड़ेगी अगेन क्लास 11th की टी आर जैन की माइक्रो इकोनॉमिक्स की किताब, जिसमें आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो इस साल आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स में पढ़ना पड़ सकता है. और अगर हम बात करते हैं ई कॉमर्स की, पहली चीज तो मार्केट में मटेरियल अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है. आपको अगर ई कॉमर्स की तैयारी करनी है, अगर आपके कॉलेज में इतनी फ्रीडम है कि आप ई कॉमर्स ले सकते हैं और आपने ई कॉमर्स लिया हुआ है, तो आपको ई कॉमर्स की जितनी भी तैयारी है पीपीटी, पीडीएफ या ऑनलाइन मोड के स्टडी मटेरियल के थ्रू ही दी जा सकती है. बात करते हैं हमारे चैनल में इनमें से क्या क्या चीजें कवर कराई जाएंगी. बेसिकली जो मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट है मैनेजमेंट वन टू, फिनेंशियल अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पूरी तरह से, और इलेक्टिव में केवल बिजनेस इकोनॉमिक्स वन और बिजनेस इकोनॉमिक्स टू. मतलब ई कॉमर्स की स्टडी मटीरियल आपको हमारे चैनल पे अगर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज स्पेसिफिकली हम बाकी के तीन सब्जेक्ट्स पे, बाकी के तीन ट्रेड्स पे ही फोकस करने वाले हैं. अब हम बात करते हैं हमारा जो सेमेस्टर फोर्थ में जितने स्टूडेंट्स गए हुए हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है इस साल का सिलेबस. सेमेस्टर फोर्थ से आपको धीरे धीरे बीकॉम टफ होता अब दिख सकता है, क्योंकि सबसे पहली चीज ही है इनकम टैक्स एंड अकाउंट्स वन एंड इनकम टैक्स एंड अकाउंट्स टू. मतलब
आपको यहाँ पे, अच्छा अकाउंट्स का मतलब ये नहीं है कि आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखनी होगी, नहीं, यहाँ पे इनकम टैक्स के अकाउंट्स की बात की गई है, मतलब इनकम टैक्स में आपको कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स को ही यहाँ पे अकाउंट्स का नाम दिया गया है। दोनों चीजों में आपने समझना ये है कि हम अगर बात करते हैं इनकम टैक्स वन के बारे में, तो यहाँ पे हमें बेसिक कंसेप्ट कवर करने मिलेंगे, जैसे रेसिडेंशियल स्टेटस हो सकता है, जैसे आपको कट ऑफ या एग्रीकल्चर इनकम के बारे में बात हो सकती है, इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात हो सकती है, जिनमें से 4 से 5 लेक्चर हमारे चैनल पे डाल दिए गए हैं। आगे लेक्चर बहुत जल्द सीक्वेंस से प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे आपको। इस बीच क्योंकि टर्म्स चेंज हुए हैं और ओरेकल्स में आप सबने इतना अप्रिशिएट किया है कि एडमिशन्स भी बहुत धड़ल्ले से हुए हैं, इस वजह से यूट्यूब चैनल पे ज्यादा फोकस नहीं दे पाए हम लोग और ज्यादा कंटेंट अपलोड नहीं हो पाया, बट वील बी बैक वेरी वेरी सून। विद इन 2 to 3 days यू कैन एक्सपेक्ट नॉर्मल, एक दिन में 3 वीडियोस पढ़ने वाली चीज, इनफैक्ट एक दिन में 4 वीडियोस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली बीकॉम सेमेस्टर 4th और बीकॉम सेमेस्टर 2nd के स्टूडेंट्स। इनकम टैक्स लॉ और अकाउंट्स 2 में आपको 5 हेड्स ऑफ इनकम देखने मिलेगी, मतलब सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, अदर सोर्सेस और कैपिटल गेन। मगर इसमें से आपने क्या पढ़ना है, अदर सोर्सेस के अलावा चारों चीजें पढ़नी है। तो ये बहुत अच्छा किया है, आपकी सिलेबस में से थोड़ा सा घटा दिया है, जो टफ पोर्शन है उसको घटा दिया है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस को वो आपने कवर नहीं करना, बट यू शुड नो द नेम। अगला जो आपका मेजर है वो है फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग, जो आपने देखने मिलेगा। अच्छा, ये मार्केटिंग मैनेजमेंट, अगर आपके पास पहली तो किताब अगर अवेल नहीं हुई है, तो केवल रेफरेंस पर्पस से यहाँ पे आपको 12th की BST हैंडी आ सकती है, जहाँ पे आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट पे एक फुल फ्लेज चैप्टर था, तो उस चैप्टर को कवर करके आप ये चीजों को समझ सकते हो कि चीजें कैसी होनी वाली हैं, बट इट्स ओनली फॉर द रेफरेंस पर्पस, आप उसको मेन स्ट्रीम बुक लेके नहीं चल सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग अपने आप में एक बहुत नई चीज है, किताब उम्मीद करते हैं मार्च तक अवेल हो जाएगी, मगर डिजिटल मार्केटिंग में आपके क्या देखने मिलेगा आप समझ सकते हैं। यहाँ पे हम सीखेंगे किस तरह से ऑनलाइन वे में कंज्यूमर्स को अवेल कराई जाती है इंफॉर्मेशन, जिसमें एडवर्टिजमेंट से लेकर सोशल मीडिया की एडवर्टाइजिंग कैसे होती है। जैसे आप देखते होंगे, अगर आप एक कोई प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे सर्च करते हैं और उसके बाद आपके सोशल मीडिया फीड पे उसी प्रोडक्ट के बारे में आने लगता है, तो वो चीजें कैसे जनरेट होती हैं, उनको कैसे किया जाता है। अब हम आते हैं हमारी जो इलेक्टिव्स हैं उनके बारे में। येट अगेन, 2 ट्रेड है आपको इलेक्टिव में, एक है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में और दूसरा है TTM या टूरिज्म ट्रेवल मैनेजमेंट के बारे में। वेरी वेरी ऑनेस्टली, टूरिज्म ट्रेवल मैनेजमेंट के बारे में किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर को नॉलेज होना मुश्किल है, क्योंकि ये कोई सब्जेक्ट हुआ ही नहीं करता था। तो अगर इसे कोई प्रोफेसर पढ़ाएगा भी, तो वो पढ़ के ही पढ़ा पाएगा, और कॉलेज ये सब्जेक्ट ऑफर करे इसके भी चांस माइनस में ही है। मगर अगर आपका कॉलेज ऑफर करता है और आप इस सब्जेक्ट को लेते हैं, तो आपको समझना होगा स्टडी मटेरियल से लेकर इंपॉर्टेंट नोट्स तक सब आपने खुद ही प्रिपेयर करना है, बिकॉज इस पे स्टडी मटेरियल का होना फिलहाल इम्पॉसिबल है। एंटरप्रेन्योरशिप ऐसा सब्जेक्ट है जो पिछले बीकॉम में हुआ करता था, और इस वजह से एंटरप्रेन्योरशिप मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी प्रेफर करेंगे, और इसी के रेफरेंस में आपको मटेरियल मिलेगा। और सबसे अच्छी बात, ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है और ये बहुत नंबर दिलाने में कारगर होता है। इसी के साथ ही साथ डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से आपके सब्जेक्ट कोड्स के बारे में। शुरू करते हैं बिजनेस मैनेजमेंट 1 सेमेस्टर 2 के से, तो वहां पे आपको बिजनेस मैनेजमेंट 1 का जो मेजर है उसका कोड मिलेगा COM यानी कॉमर्स 112, मैनेजमेंट 2 का 113, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कॉमर्स 114 और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का उसी सीरीज में कॉमर्स 115। और इलेक्टिव की बात करें, तो अगर आप ई कॉमर्स का ट्रेड चुनते हैं, तो ई कॉमर्स के पहले पार्ट का 116 कॉमर्स 116 और दूसरे पार्ट का बनेगा कॉमर्स 117। इसके बाद हम बात करते हैं अगर बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में, तो कॉमर्स 118 और बिजनेस इकोनॉमिक्स 2 बनेगा कॉमर्स 119। देखते हैं अब सेमेस्टर 4th का क्या रहेगा कोड,
तो सबसे पहले सेमेस्टर फोर्थ के कोड में इनकम टैक्स और अकाउंट्स का जो पहला ट्रेड आपने जो ट्रेड का पहला पार्ट करना है वो है कॉमर्स 209, दूसरा जो पार्ट रहेगा कॉमर्स 210 यानी 210 फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग, ये मेजर है। मेजर का थर्ड सब्जेक्ट कॉमर्स 211 और डिजिटल मार्केटिंग कॉमर्स 212, जिसके बाद अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप जो कि प्रेफरेबली आपको मिलेगा वो है कॉमर्स 213 और नेक्स्ट इलेक्टिव एंटरप्रेन्योरशिप 2 सेम ट्रेड कॉमर्स 214, और अगर आप टीटीएम में जाते हैं तो टीटीएम 1 का कॉमर्स 215 और टीटीएम 2 का कॉमर्स 216। इसी के साथ आज की जो हमारी एक छोटी सी नोटिफिकेशन वीडियो थी इसको मैं खत्म करती हूँ, और आने वाले समय में वी विल बी अपलोडिंग ऑल दी वीडियोस ऑन आवर चैनल। थोड़ा सा समय दीजिए मुझे क्योंकि इस वक्त मेरी थीसिस शुरू हो चुकी है और कुछ चीजों को मैनेज करने के बाद I'll be there in front of you taking lectures, answering your questions. Thank you for your patience and thank you so much for your best wishes. This is Dr. Sakshi Mahadev. You are watching our Oracle Commerce Coaching Channel right here from Gorakhpur.